आज मैं लाई हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी मिठाई जो कि मूंगफली से बनती है। ये खाने में बहुत ही लजीज है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। मूंगफली हर किसी के घर में आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए हम इसे जब चाहें तब आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं मूंगफली की मिठाई। यहाँ मैंने एक कटोरी मूंगफली लिया है, लगभग आधा कटोरी चीनी, एक कटोरी दूध जिसमें केसर भिगो के रखा था, और दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और गार्निश के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट। अब एक कढ़ाई में मूंगफली को हम धीमी आंच पे भून लेंगे। मूंगफली हमारा भून गया है, अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद इसका छिलका आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा छिलका कितना आसानी से निकल गया है। इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली में थोड़ा ऑयल होता है, इसलिए ये थोड़ा सा गीला गीला हमें दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम एक कढ़ाई में केसर वाला दूध डालेंगे और उसमें अब चीनी डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए। अब इसमें हम थोड़ी सी कूटी हुई छोटी इलायची डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इसे बराबर चलाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें पीसा हुआ मूंगफली डाल देंगे। इसे बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। इस स्टेज पे आने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच घी डालेंगे, इससे थोड़ा सा मिठाई हमारा सॉफ्ट बनेगा। बराबर चलाते हुए हम अब देख रहे हैं कि ये सारा घोल हमारा एक जगह इकट्ठा होने लगा है। ये लगभग हमारा मिठाई तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसे हम किसी भी शेप में अब मिठाई के रूप दे सकते हैं। यहाँ मैंने रोटी की तरह से चपटा कर लिया है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको राउंड शेप में फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मिठाई कितनी अच्छी दिख रही है। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी कई शेप्स में बनाए हैं, आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। घर पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपकी मिठाई कैसी बनी है। थैंक यू।